Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz talba, isse pehle ke aap 9th ke is chapter the story of tea ka second part dekhe, जरूरी है कि आप फर्स्ट पार्ट भी देख लें, पढ़ लें, समझ लें और उसके सवालों के जवाब हल करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद ये सेकेंड पार्ट उसके आगे देखें। ये जो पार्ट है, ये पैसेज जो है वो पेज नंबर 19 और 20 पर है। पहले हम पैसेज को समझते हैं। मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, कि चाय जो है वो एक रिफ्रेश फिर से तरोताजा कर देने वाली मशरूब है, पीने की चीज है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। देखिए नो का इस्तेमाल किया गया है, नो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स। इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन मौजूद नहीं होता। व्हाट गिव्स टी इट्स स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इज, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो चाय को स्पेशल बनाती हैं, डिस्टिंक्टिव फ्लेवर यानी बिल्कुल अलग जायका, अलग मजा, मुख्तलिफ किस्म का फ्लेवर देती हैं, वो है इस थैनिन एज वेल एज कैफिन। वो थैनिन और कैफिन होती है, विच गिव्स द ड्रिंक इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी, जो के इस मशरूब को, इस ड्रिंक को स्टिमुलेट कहते हैं, किसी चीज को देख करके उसको पाने की ख्वाहिश पैदा होना, ऐसी सिफत, ऐसे कमाल, ऐसी क्वालिटी इसके अंदर पैदा कर देती है। Next para, how and when did people find first begin to drink tea? एक सवाल है, how and when, कब और कैसे did people first begin to drink tea? लोगों ने, इंसानों ने पहले चाय पीना शुरू किया। An amusing story has come down to us from Chinese legend. Amusing story, एक बड़ी खुश कर देने वाली कहानी कम डाउन टू अस, हमारे पास पहुंची है, फ्रॉम चाइनीज लीजेंड्स। चाइना के लीजेंड्स कहते हैं अफसाना निगार या कहानी या किस्सा कहने वाले लोग, वहां से पहुंची है। इट इज सेड दैट एम्परर शिनोंग, ऐसा कहा जाता है कि वहां का बादशाह जो एम्परर था शिनोंग, The father of Chinese agriculture and medicine, जो के जिसको father of Chinese agriculture and medicine भी कहा जाता है। China agriculture कहते हैं खेती बाड़ी और medicine दवाएं, उसका father कहा जाता है, मुअज्जिब कहा जाता है। Was on his travel, वो अपने सफर पे था, ऐसी कहानियां China से आई हैं। Was on his travel, वो अपने सफर पे था। When a servant was boiling some water for the emperor to drink, और जब उसका नौकर servant was boiling water, पानी उबाल रहा था for the emperor to drink, ताकि उसको बादशाह पिए, उबाल रहा था पानी, just then उसी वक्त a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. करीब के दरख से कुछ पत्तियां, few leaves, कुछ पत्तियां उड़ के बॉइलिंग वाटर में आ गई। ब्लू होता उड़ के आ जाना। द वॉटर इमिडिएटली चेंज कलर, और उस पानी ने, वॉटर ने इमिडिएटली यानी फौरन कलर बदल दिया अपना, चेंज कलर। ऑन ड्रिंकिंग द वॉटर, और पानी पीने के बाद द एम्परर वर अमेज्ड, उस बादशाह को बड़ी हैरानी हुई, बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी
of the resulting infusion. ये जो नतीजा निकला, amazed, वो हैरान हुआ, by the rich flavor, इसके बेहतरीन टेस्ट से, जाते से, and the refreshing quality, और ताजा कर देने वाले खासियत जो उसके अंदर थी, resulting infusion, जो इसमें दाखिल हो गया था, पत्तियां जो इसमें शामिल हो गई थी, infusion होता है, सरायत कर जाने, दाखिल हो जाना, उससे उसको बहुत हैरान थी. Excited by the unknown plant, excited and जोश में आकर के, बड़े जोश में, unknown plant, ऐसा पौधा जिसके बारे में नहीं जाना जा रहा था, unknown था, and its amazing flavor, और इसके हैरान कर देने वाले खासियत जो थी उसके अंदर, he carried out further, उसने आगे और मालूमात हासिल की, investigation यानी छानबीन की, and discovered, और ये दरियाफ्त किया, पाया, that tea had many healing and restorative properties, के चाय के अंदर बहुत सी healing कहते हैं शिफा देना, heal कर, शिफा देना, and restore यानी बहाल करने का, फिर से ऐसी properties खुसूसियात पाई जाती हैं, and could also be used as an antidote to certain poisons, or could also be used, उसे और इस्तेमाल किया जा सकता है, antidote, anti यानी तोड़, तिर्याक, उसके तोड़ के लिए, to certain poison होता है जहर, कुछ जहरों की तासीर को खत्म करने के लिए तिर्याक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. Next para, yet another legend tells, पहले कहा गया Chinese legend, यानी चाइना के अफसानेगार, कहानी, किस्से कहने वाले ने बताया. आगे कहते हैं another legend tells, कुछ और किस्से कहानी कहने वाले ने बताया, that it is a Buddhist monk. फिर दूसरी कहानी आई, it is a Buddhist monk, बुद्ध मजहब के मानने वाले जो monk होते हैं, राहिब होते हैं, राहिब जो बुद्ध मजहब के प्रीस्ट हैं, वो named बोधिधर्मा, who was the first to use tea as a drink, वो फर्स्ट था, पहला था बोधिधर्मा, जिसका नाम था, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्धिस्ट राहिब था, उसने इसको चाय को पिया, फर्स्ट टू यूज टी एज अ ड्रिंक, चाय को पत्ते, चाय को पीने वाली चीज के तौर पर पहन लिया. He was keen to find a herb or a medicinal plant. Keen to find, keen कहते हैं चीज, किसी चीज को जानने के, बड़ी जाहिर ख्वाहिश होना, बहुत ज्यादा ख्वाहिश होना. To find herb, herb कहते हैं जड़ी बूटी. He was keen to find a herb, वो इसका बड़ा ख्वाहिशमंद था कि कोई जड़ी बूटी ढूंढ ले, और a medicinal plant, या कोई दवा वाला ऐसा पौधा तलाश कर ले, विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक, जो के अवेक कहते जागना, स्टे रहना, जो उसे जागते रहने में मदद करे, हेल्प करे, एंड अलर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन प्रेयर, और उसे अलर्ट रखे, चौकन्ना रखे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी ज्यादा वक्त तक, इन प्रेयर यानी इबादत में, एंड मेडिटेशन कहते हैं ध्यान लगाने में, मराकबे में, ध्यान लगाने में, इबादत करने में उसे ज्यादा देर जगा के रखे. आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल, कई एक तलाश और कोशिश के बाद, ही फाउंड दैट चीविंग लीव्स फ्रॉम द टी श्रब एक्टेड एज स्टिमुलेंट, उसने ऐसा पाया, उसने ऐसा जाना, देखा कि चीविंग लीव्स, चीविंग होता चबाना, लीव्स होता पत्तियों, पत्तियों को चबाने में, फ्रॉम द टी श्रब, पत्ती की झाड़ियों से, चाय की जो झाड़ियां, श्रब झाड़ियां होती है, उसको चबाने से, एक्टेड एज स्टिमुलेंट, वो है बहुत हरकत करने में, उसमें अमल कर, हमारी मदद कर रही है. हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, स्टिमुलेंट, हेल्पिंग हिम स्टे अवेक,
कि वो जो है ऐसी उसके खासियत पैदा कर रही हैं कि वो जागता रहे. इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस्ड ही अमंग हिज डिसिपल्स इन चाइना. ये वही शख्स है जिसने इंट्रोड्यूस यानी पहले तारुफ कराना द टी चाय को अमंग हिज डिसिपल्स. डिसिपल्स कहते हैं फॉलोअर यानी मुरीद शागिर्द इन चाइना. सबसे पहले चाइना में उसी के मुरीदों को उसने बताया. इट इज सेड दैट जापानीज प्रीस्ट, ऐसा कहा जाता है कि जापानीज प्रीस्ट जापान के जो पुजारी थे स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर, कि जो जापान के प्रीस्ट थे पुजारी थे जो स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर, जो पढ़ाई कर रहे थे वो बुद्धिस्ट टीचर के अंडर में रह करके इन चाइना कैरीड टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम. वही लोग चाय की पत्ती को और उसकी बीजों को अपने घर ले गए, उसकी पत्तियों को अपने घर ले गए विद देम अपने साथ. तो वो वहां पढ़ते थे बुद्धिस्ट टीचर के अंडर में और जब वो चाइना गए तो अपने साथ पत्तियों को बीजों को अपने घर ले गए. टर्किश ट्रेडर्स आल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर टी. और टर्किश तुर्किस्तान के लोग, तुर्की के लोग ट्रेडर्स विद अ बिजनेसमैन आल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया. मंगोलिया की सरहद पर टर्किश लोगों ने भी इसका सौदा करना शुरू किया. इन फैक्ट द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्परर, और इसी तरह से इसके बावजूद कहानी बढ़ती रही और चाइनीज एम्परर चाइना का जो हुक्मरान था बादशाह था हुईसन वाज सो टेकन अप विद टी, वो इसे इतना अपना लिया दैट ही सेट अप अ रिसर्च इनटू द बेस्ट टी विस्किंग. उसने रिसर्च कराना शुरू किया इनटू टी विस्किंग यानी चाय की तेजी से हरकत करना. विस्किंग कहते तेजी से हरकत करना यानी इसके तरीके पर जिससे तेजी से पैदावार हो. एंड आल्सो होस्टेड टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स इन द पोर्ट. उसने टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट भी अपने दरबार में रखा. सो टी माइंडेड वॉज ही. सो टी माइंडेड टेस्टिंग टूर्नामेंट. सो टी माइंडेड वॉज ही, वो इतना टी माइंडेड बन गया that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. Tea making and tea testing tournament in the court, उसने tea making और tea testing अपने दरबार में रखा. So tea minded he was he, वो इतना tea minded हो गया that he failed, नाकाम रहा टू नोटिस इस बात को जानने में दैट मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर, कि मंगोलिया ने हकीकत में उसकी सल्तनत पे कब्जा कर लिया. टेकन ओवर हिज एम्पायर, उसके एम्पायर को सल्तनत को मंगोलिया ने कब्जा कर लिया. यहाँ पर यह हमारा पैसेज मुकम्मल होता है. अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस पैसेज. सबसे पहले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज फॉर 10 मार्क्स. A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स. नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. फिल द ब्लैंक्स करना है, पैसेज में से मदद लेना है. 1 इज एम्परर शिनोंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ डैश, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन. कंप्लीट जवाब लिखा जाएगा और जो फिल द ब्लैंक्स है उसको अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा, ये बेहतर तरीका है. सेकंड इज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एम्परर शिनोंग डिस्कवर्ड दैट टी कुड बी यूज्ड एज डैश टू सर्टेन पॉइजंस.
यहां पे जो आप देखेंगे एंड एंटी डॉट बढ़ा दिया जाएगा. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एम्परर शिनोंग डिस्कवर दैट टी कुड बी यूज्ड एज एंटी डॉट टू सर्टेन पॉइजंस. थर्ड, बोधिधर्मा फाउंड दैट चीविंग टी लीव्स एक्टेड एज आंसर. बोधिधर्मा फाउंड दैट चीविंग टी लीव्स एक्टेड एज स्टिमुलेंट. Fourth, Emperor Huizong of China hosted dash in the court. Emperor Huizong of China hosted tea making and tea tasting tournament in the court. इस तरह से A1 हो गया. A2 में देखेंगे complex factual activity. Complete the web. Question paper पे जब हमको कोई web बना के दी जाती है तो उसका तरीका यह है कि हम अपने आंसर पेपर पे भी वैसा ही वेब बनाएं और उसी तरह से वेब बना करके उसका जवाब दें. टी कंटेन्स एंड टी डज नॉट कंटेन. टी में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता. आंसर के लिए हम ऐसे ही वेब बनाएंगे और फिर आंसर लिखेंगे. टी कंटेन्स थेनिन एंड कैफिन. Tea does not contain carbohydrates, fat or proteins. For 2 marks. A3, activity based on vocabulary. For 2 marks. Match the words in column A with their meaning in column B. यहां पर हमें column A और column B बना के दिया जाएगा और column A में 4 points है. इन्वेस्टिगेशन इन्फ्यूजन स्टिमुलेंट रिस्टोरेटिव. बी में उसके मीनिंग्स दिए गए हैं. हम सर्च करेंगे एक एक को सर्च करके पहले सही चुन के हम पेंसिल से निशान लगा लेंगे और फिर जो है सही जवाब को सही तरीके से अपने आंसर पेपर पर लिखने की कोशिश करेंगे. और आंसर कुछ इस तरह से होगा. पहले हमारा चार्ट बन जाएगा कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट जो था हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें डी आएगा. अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन फॉर फाइंडिंग द ट्रुथ. सेकंड इन्फ्यूजन उसके लिए ए आएगा. अ ड्रिंक मेड बाय लिविंग श्रब और लीव्स इन बॉइलिंग वाटर. थर्ड स्टिमुलेंट उसके जवाब में बी आएगा. अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू स्टे अवेक. फोर्थ जो है रिस्टोरेटिव यानी सी आएगा. मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन. क्वेश्चन A4 एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये हम देखेंगे फर्स्ट में 4 वर्ड है स्टिमुलेट स्पेशल सर्वेंट स्टे. सेकंड में मेडिसिन Emperor, immediate and flavor. हम फर्स्ट के चारों देखते हैं. चारों पहला अल्फाबेट हमारा एस है उसी से शुरू हुआ है इसलिए सेकेंड को सेकेंड भी एक जैसा में थर्ड को हम कंपेयर करेंगे देखेंगे अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में कौन पहले आता है कौन बाद में. जवाब देखेंगे इन फर्स्ट सर्वेंट स्पेशल स्टे एंड स्टिमुलेट. सेकेंड में एम्परर फ्लेवर इमीडिएट एंड मेडिसिन. क्वेश्चन A5 पर्सनल रिस्पॉन्स और ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर 2 marks. क्वेश्चन है विच वन इज योर फेवरेट बिवरेज. आपका वो कौन सा पसंदीदा बिवरेज है. गिव योर रीजन उसकी वजह बताइए पसंदीदा क्यों है. आंसर एक्सपेक्टेड. माई फेवरेट बिवरेज इज कॉफी बिकॉज It boosts our physical performance. It helps to burn fat and lose weight. Stay alert. It also reduces the risk of cancers, stroke, and Parkinson's disease. Coffee brightens our mood, helps to fight depression. But on the same time, it has a toxic effect if not taken in moderation. इस तरह से ये हमारा सेकेंड पार्ट द स्टोरी ऑफ टी का मुकम्मल हुआ.
आपने अगर फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो उसको भी देख लें और फिर थर्ड पार्ट को देखें, ताकि इस तरह से इस चैप्टर हमारा मुकम्मल हो। और ये तमाम पार्ट्स देखने के लिए किताब के बाकी और सवाल, पेपर के हिसाब से बाकी और सवालों को जो पेपर पैटर्न के लिहाज से होगा उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।